दोस्तों हाजर हाँ अज दुश गलत अज के कुछ मुद्दे थोड़े नाल साझे करन दे लई। नवा स्कूल ईयर शुरू हो चुका अमेरिका दे विच ते बहुत ही थावां दे उत्ते एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है टीचर स्कूलों ते क्लासां च जाण तों डर रहे आ। कोई वेला सी टीचर की बहुत रिस्पैक्ट होंदी सी ते हौली हौली समा ये आ गया कि उहदी रिस्पैक्ट किसी ना किसी तरह घटदी गई। जिहड़े टीचिंग लर्निंग दे प्रोसैस सी उह बदलदे गए, उहदे च तब्दीलियां आउंदियां गईआं ते हुण हालत यह हो गया कि टीचरां दे नाल कई तरह का दुरव्यवहार अमरीका दे स्कूलां दे विच हुंदा, जिस करके जां तां बहुते लोग टीचिंग छड्डी जांदे आ ते जां हुण डरन लग पए आ स्कूलां दे विच जाण तों। इह अपने आप दे विच खबर बहुत हैरानी वाली ते चिंता वाली भी है कि एक टीचर क्लास दे विच जाण तों डरदा क्योंकि लड़ाइयां आम हो गईआं स्कूलों दे विच। मैरीलैंड स्कूल की एक गलबात उन्होंने दसी है, जिहड़े स्पैशल एजुकेशन सोशल स्टडीज़ आ उत्थे स्टूडेंट्स मतलब एक दूजे नाल लड़दे आ। लड़ना कोई वड्डी गल नहीं हुंदी पर छोटियां छोटियां गल्लां दे उत्ते लड़ना ते उहदे तों बाद मतलब जिहड़े टीन्स ने जदों आपस दे विच अलड़ उमर दे लोक जिहड़े लड़दे आ एक दूजे नूं मुक्के मारदे आ ते इहदा शिकार किते ना किते टीचरां नूं वी होणा पैंदा। कई वारी दसदे आ कि उस टीचर नूं गलत गल्लां मतलब जिहनूं असीं गाली गलोच कहिंदे आ, गाली गलोच दी पद्धर तक वी टीचरां नूं बुलाया जांदा, एंटी गे सलर यूज़ कीते जांदे आ ते उह कहिंदे रेसिज़म दे नाल असीं लड़ रहे हां, जिहड़ा होमोफोबिया आ असीं कहिंदे वैल्यूड ही नहीं फील करदे। टीचर कहिंदे सानूं लगदा ही नहीं कि साडी कोई कीमत हैगी आ इत्थे जां साडी कोई इत्थे इज्जत हैगी आ, असीं उह कहिंदे एप्रीशिएटेड फील नहीं करदे वी कोई सानूं साडे काम दे लई एप्रीशिएट कर रिहा है। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस दे विच जिहड़ा टीचर आ रोल मॉडल हुंदा जां उहदा बच्चे दे मन दे विच अध्यापक दा सतिकार होना बहुत जरूरी हुंदा जे उहने प्रॉपर लर्न करना आ तां। पर हुण दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट उह कहिंदा वी शायद इह गल्लबात पिछे रह गई आ, लोग कंप्यूटर तों वी लर्न कर सकदे, मशीनां तों वी लर्न कर सकदे आ। टीचर स्टूडेंट दे रिलेशनशिप दे विच तब्दीली आ गई ते तब्दीली इत्थे तक आ गई आ कि अमेरिका दे बहुतियां थावां दे उत्ते टीचर इस गल तों डरन लग पए आ कि असीं स्कूलां दे विच जा के किदां पढ़ावांगे। स्टूडेंट्स जिहड़े पेरेंट्स आ असल दे विच उह टीचर दीआं फीलिंग्स नूं भुल गए आ, क्या इह जा रिहा पूरे देश के विच टीचर ये रिपोर्ट कर रहे हैं और यूनियनस कह रही हैं, प्रिंसीपल जिहड़ियां प्रिंसीपल्स कह रहे हैं कि जिन्हों मतलब लगातार ट्रॉमा कहा जा रहा है कि क्लासरूम्स दे विच जो कुछ हो रहा है, डिस्टरप्शन हो रही है हॉलवेज दे विच, जिहड़े पेरेंट्स आ वो किसी ना किसी तरह वक्रे वक्रे तरीके दियाँ उत्थे आके गल्लां बातां कर रहे हैं। पोलिटिकल नेचर जिहड़ी इन्हां दी जॉब दी उहदे उत्ते सवाल उठ रहे हैं। बहुत जिहड़े टीचर ने एजुकेटर्स ने उन्होंने मतलब जिहड़ा स्कूल यह शुरू किया इस साल का तो बहुत चिंता दे नाल किया, कंसर्न वक्रे वक्रे ने मतलब यह भी आ भी किन्ना किसी की चिंता आ तो किस्म कि ये डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट वेरी करती है, स्टेट तो स्टेट वेरी करती है, पर डिसरिस्पैक्ट टीचर की कितने ना कितने सारे थान के उत्ते हो रही है। डीसी वाशिंगटन के जिहड़ी टीचर यूनियन ये कहती है कि इन्हां दे मैंबर ये कह रहे हैं कि फिजिकल वायलेंस हो रही है, हुई है पिछले साल स्कूलों के टीचर के नाल, स्टूडेंट्स के भी तो स्टाफ दे विच भी, मतलब स्कूलों दे विच लड़ाई विद्यार्थियों दे विच हो जानी माड़ी गल आ, पर उहदे नाल भी माड़ी गल आ जदों विद्यार्थी टीचर नूं कुटदे आ। इह इंसीडेंट्स वधे आ पिछले साल दे विच, रियालिटी इह आ कि स्कूलों दे विच पूरे मतलब देश दे विच अमेरिका दे विच पढ़ाउणा एजुकेटर्स दे लई मुश्किल हो रहा ते उह मतलब किसी ना किसी तरह जिहड़ा बच्चा पढ़ना चाहुंदा आ उहदा जिहड़ा एकेडमिक मटीरियल आ उस पासे ध्यान देण दी थां जिहड़े इह डिस्ट्रप्टिव चिल्ड्रन हुंदे आ, डिस्ट्रप्टिव नेचर दे स्टूडेंट्स आ, उहनां नूं हैंडल करन दे विच उहनां दी एनर्जी जिहड़ी ज़्यादा लग रही है। इह वी हैगे कि कुछ जिहड़े एजुकेटर्स आ उह होर पासे किसी ना किसी तरह मतलब प्रोफैशनस दे विच देख रहे आ ते जिहड़े टीचर दूजे पासे इस वेले टीचर शॉर्टेज बहुत आ, स्टूडेंट्स जिहड़े आ एकेडमिक ग्राउंडस दे उत्ते हालात थोड़े जे वक्रे होए आ, मतलब शरेआम टीचर ये कह रहे हैं कि वी आर स्केयर टू टीच, असीं डरदे हाँ पढ़ाउण तों ते उह कहिंदे असीं मतलब असीं अपने काम करन तों डर रहे हैं। अमेरिका दे विच एक स्टेट नहीं कई स्टेटां दे विच इस तरह दियां आवाज़ां आ रही कि वी आर स्केयर टू डू अवर जॉब। हुण जदों एक टीचर ये कह रहा आ डीसी दे विच टीचर कह रहा आ कि उहदे स्टूडेंट्स उहनूं अटैक कर रहे आ उहदे उत्ते जिहड़े बच्चे आ ते उह इस किस्म दियां जिहड़ियां हुण इन्वेस्टिगेशन हुंदी आ पर उहदे विच बहुता कुछ नहीं हुंदा, पर उह कहिंदे मैं इदां हुंदा सी, उह टीचर दसदी आ कि मैं बच्चिआं नूं ग्रीट करदी सी जदों आउंदे सी सवेर वेले ते, पर इहदे नाल नाल इह आ वी हुण बच्चे टीचरां दे उत्ते हमले भी करन लग पए आ, क्लोज डोर दे विच टीचर डर रहे आ। दूजी गल इह आ कि हुण इहदा कोई ना कोई रीज़न होणा चाहीदा इहदे पिछे, पर जिहड़े बहुते एजुकेटर्स ने बहुते टीचर ने उन्हां नूं इस दा कारण नहीं पता
कि उन्होंने टारगेट क्यों किया जा रहा, बच्चे उन्होंने वाल इस तरह की हिंसा क्यों बद रही, जो ओवरऑल सोसाइटी के जी डिस्ट्रैस वधी आ तो वह नतीजा यह आ। पर बहुते जो एजुकेशन के फील्ड के भी साल हो गए लोगों को पढ़ाद्या, बहुत सारे उन्होंने मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स नाल डील भी किया आ। पर ये नाल नाल ये आ कि जिहड़े मापे आ इस गलत विहार के स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं, मतलब टीचर के नाल मापे वर्बली फिजिकली अब्यूजिव हो रहे हैं। ये एक मतलब होर भी हैरानी वाली गल आ कि 24-25 साल किसी को हो गया हो पहला कदे वह कुछ ना देखा हो जो अमेरिका के स्कूलों के इस वेले देखा जा रहा है। और ये अपने आप के एक चिंता वाली गल आ। सो एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट तो दूजी स्कूल डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट तो दूजी स्टेट के एक नवा जो ये मैंटल हैल्थ जिहड़ा इशू आ जिहड़ा सुइसाइड रेट वध्या आ पिछले 10-15 सालों के यंग पीपल दे यंग जिहड़े लोग ने उन्होंने असी ये गल भी चंगी भली जानते हैं। इस करके अमेरिका के पिछले साल जी 988 आ वो कॉल शुरू की गई सी भी जे किसी ने कोई मैंटल हैल्थ इशू आ जां सुइसाइडल टेंडेंसीज आ वो इस थान के उत्ते कॉल कर सकता है। ये भी सानू पता है कि छोटे छोटे जिहड़े बच्चे ने टीचरां नू अपने जिहड़ियां गन्स कोल लिया के ते उन्होंने गोली मारनी है घटनावां भी पिछले साल सामने आई हैं कि 6 साल के बच्चे ने टीचर नू गोली मार दित्ती। इस किस्म दा रुझान जिहड़ा और उहदे नाल किते ना किते रेसिज़म जिहड़ा हुण स्टूडेंट्स नू बचाउण दे लई कानून भी हैगे आ, पर किते ना किते उहदी भी जिहड़ी कहा जा सकदा कि दुरवरतों इस थां दे उत्ते हो रही आ। ते शायद एक कारण इह आ कि वड्डी जिहड़ी घाट आ उह अमेरिका दे विच टीचर्स दी इस वेले दसी जा रही आ। जिन्हें टीचर चाहिए जां तो कम छड्ड चुके आ ते जां होर प्रोफेशन वल जा चुके आ ते जां इधरले पासे नहीं आ रहे। ये एक अमेरिका दे विच बहुत वड्डी समस्या पिछले समय दे विच आई है। और कुछ थावां दे उत्ते इन्हां नूं स्कूलों का समा भी घटाउणा पिया सी, 5 दिन दे थां 4 दिन कर दिओ क्योंकि टीचर है नहीं। कई थावां दे उत्ते जिहड़े वैटरन ने उन्हां नूं सद्दिया गया सी कि भावें तुहाडे कोल जिहड़ी ट्रेनिंग नहीं है टीचिंग दी, तुहाडी एजुकेशन उस तरह की नहीं है, पर फिर भी तुसीं स्कूलों दे विच पढ़ाउण आ जाओ। कई थावां दे उत्ते जिहड़ियां वड्डियां जिहड़े टीचिंग दी ट्रेनिंग आ उह हुण इस हद तक आ वी जिद्दां किसे नूं पलंबिंग दा कम सिखाउणा जां इलैक्ट्रिशियन दा कम सिखाउणा उसे ट्रेड दे सिखाउण दे वांगू ही उहनां नूं टीचर ट्रेनिंग दित्ती जा रही है, जिहड़ी कि शायद ठीक नहीं आ। पर उहदा इक कारण जिहड़ा इह आ कि वायलेंस जिहड़ी टीचर दी डिसरिस्पैक्ट ये किते ना किते सारे कुछ दे विच जिम्मेवार दसी जा रही है। दोस्तों अगली गलबात इलैक्ट्रिक कारां दे नाल संबंधित आ। इलैक्ट्रिक कारां अमेरिका दे विच पिछले समय दे विच काफ़ी पॉपूलर हुई आप सारे जानते हैं और लगातार यदि गिनती वध रही है। पर की ये अपने उस टारगेट तक पहुँच सकनगियां? दुनिया दे विच वख-वख थावां दे उत्ते ये एनालिसिस सर्वे करके देखा जा रहा कि जिहड़े टारगेट ने जीरो एमिशन दे 2035 तक की उत्थे तक पहुँचा जा सकता। जिहड़ी यूरोपियन यूनियन आ वो स्ट्रगल कर रही है इस वेले कंज्यूमर दे नाल कि इलैक्ट्रिक कारां वालों स्विच कर जाण, दस रहा है उन्होंने कि चंगी गल है इधरले पासे कर जाओ। दूजे पासे अमेरिका दे विच भी इस गल दे लई स्ट्रगल चल रही है भी ये जीरो मिशन दे उत्ते पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। जिहड़ा यूरोपियन सेल आ इलैक्ट्रिक व्हीकल्स दी वो वधी आ पिछले समय दे विच, पिछले सालों दे विच जिहड़े यूरोपियन कंज्यूमर ने 10 गुणा ज़्यादा इलैक्ट्रिक कारां वेच रहे आ 6 साल पहले नालों। पर ये जिहड़ी सेल आ इन्नी सफिशेंट नहीं आ कि यूरोप नूं इहदे जीरो कार एमिशन दे गोल दे उत्ते 2035 तक पहुँचा दूगी। इहदा एक तो कीमतां ज़्यादा आ इहदियां, दूजा जिहड़ा ये इहनां नूं मुश्किल आ एनर्जी गोल्स दे उत्ते पहुँचण दे। इलैक्ट्रिक कारां 9% मार्केट शेयर आ इहनां दा जिहड़ा यूरोपियन यूनियन दीआं मैंबर स्टेट्स दे विच, अद्धियां तों ज़्यादा स्टेट्स दे विच 9% कारां जिहड़ियां उह इलैक्ट्रिक ने, जिहड़ी यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चर एसोसीएशन उहदे देशां दे मुताबिक। हुण जदों असीं यूरोप दा मुकाबला अमेरिका दे नाल करदे हाँ तां इत्थे नंबर उहदे तों वी घट आ, नोटेबली लोअर आ यूएस दे विच जिथे सिर्फ 1% आ। 250 मिलियन व्हीकल सोल्ड किए गए अमेरिका दे विच, पर क्योंकि पॉपूलेशन बहुत वड्डी आ 1% बन जाता। हुण यूरोप दे विच 9% आ ते इत्थे 1% आ, ते ये फर्क जिहड़ा बहुत वड्डा आ। जिहड़ी ये डिलेड अडोप्शन आ इहदी कि लोग बहुत हौली हौली इहनूं अडोप्ट कर रहे आ, सीधा सीधा इहदा संबंध इहदी कीमत नाल दस्सिया जा रहा। जिहड़े व्हीकल जिन्ना चिर सस्ते नहीं होंगे उन्ना चिर लोगों ने इलैक्ट्रिक कारां वल नहीं जाना। इलैक्ट्रिक कारां दे फायदे आ पर इन्हां दीआं अपनियां प्रॉब्लम्स भी आ। जिहड़ी इन्हां दी कॉस्ट आ वो बहुत ज़्यादा आ, परचेज जदों बंदा कार खरीददा आ उस वेले दी कीमत काफ़ी ज़्यादा आ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਅਰ ਆ ਲੰਬੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਹਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ 500,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 1,30,000 ਆ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $7,500 ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬੇਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 21% 27 ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ $4,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $11,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂ ਐੱਸ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕਾਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਯੂ ਬੀ ਐੱਸ ਦੀ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੇਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਜੂਗੀ 6% ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 6% ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੂਗੀ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 2035 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2/3 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ 2/3 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2/3 ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 80 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਓਵਰਆਲ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ 42% ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 42% ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਲੇਬਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੀ ਜੋਬ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ 31% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ 66% ਨੇ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵੀਕ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ 62% ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 80% ਰੇਂਜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਅਪਰੂਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ
मतलब एक पासे जिहड़े रेस रिलेशन हैगे आ उत्थे 86% आ, यूक्रेन वाले मामले 83% आ, एजुकेशन के मामले 82% आ, पर जिहड़ी ए चाइना दे रिलेशन दे विच 32% रह जांदे आ, 37% जिहड़े रह जांदे आ रूस दे मामले दे विच। ते ए एक जिहड़ी गल दसी जा रही है कि असल दे विच इन्हां नूं उन्नी ज़्यादा अपरूवल नहीं मिली, जां दूजा मतलब इहदा ए कह लो कि उन्ना ज़्यादा इन्हां दे नाल ए लोगों नूं जिन्नी आस सी ओ उत्थे तक हैंडल सही तरीके दे नाल नहीं कीता गया। दोस्तों एक लंघे वीकेंड जिहड़ी हिंसा दीआं कुछ वारदातां होईआं, एक जिहड़ा वाइट मैन उहदे कोल हथियार सी, हाई पावर राइफल सी, ते स्वास्टिक्स दे नाल उहने कवर कीती सी, तीन ब्लैक भाईचारे दे लोकां नूं उहने आ शनिवार गोली चला के मार दिता डॉलर जनरल स्टोर दे उत्ते जैक्सनविल फ्लोरिडा दे विच। सीधी सीधी फ्लोरिडा दे विच मतलब रेशियल कह लो इहनूं मर्डर कीता गया दस्सिया जा रहा, जदों उन्हां उस तों बाद उहने अपने आप नूं भी गोली मार ली। जिहड़े लोकल लॉ एनफोर्समेंट आ उहनां ने दस्सिया कि अटैक क्लीयरली रेशियली मोटिवेटड सी, उन्हें एक सीधे सीधे ग्रुप नूं टारगेट किया, ब्लैक जिहड़े लोग सीगे स्याह मूल दे भाईचारे उन्होंने टारगेट किया। जैक्सन शैरिफ ने यह जिहड़ा दस्या है ते दो जिहड़े मेल ते एक फीमेल उन्होंने मार दिता शूटिंग दे विच। अथॉरिटीज़ ये दसदियां कि पब्लिकली आइडेंटिफाई नहीं किया गनमैन नूं, पर दस्या जा रहा कि अर्ली 20s दे विच सीगा ते बाद विच उन्हें अपने आप नूं गोली मार ली जदों लॉ एनफोर्समेंट वाले सीन के उत्ते पहुंचे। कोई होर किसी को कोई जी नुकसान नहीं होया, FBI हुण ये दस्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि यह हेट क्राइम सी। एजेंसी ने यह भी कहा कि जी सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़े इमेजेस अथॉरिटीज़ ने AR-15 स्टाइल राइफल यूज़ की गई है इस शूटिंग दे विच, जिहड़े स्वास्तिका सी ओहदे उत्ते वैपन दे उत्ते जिहड़ा वाया सी, ये अपने आप दे विच किसी ना किसी तरह नफरत वाली गलबात जिहड़ी नज़र आ रही है। लोगों ने उत्थे मतलब हुण अरदास कीती है, प्रे कीता है, होमलैंड सिक्योरिटी जिहड़ी अपना काम कर रही है। अमेरिका दे विच इस तरह दीआं घटनावां दे विच वाधा होना चिंता वाली गल आ। जिहड़े शूटर आ उहने मतलब एक तरीके दे नाल क्यों कीता, इहदे पिछे कारण की सीगा, की उहदे जिहड़े हुण बाद दे विच कोई गलबात सामने आऊगी, इह और यह भी याद करन वाली गल आ कि जिहड़ी शूटिंग होई आ, इह 5th एनीवर्सरी शूटिंग दी डाउनटाउन जैक्सनविल उत्थे होई सी, जदों रिवर फ्रंट गैदरिंग प्लेस सीगी उत्थे एक व्यक्ति ने दो जणिआं नूं मार दिता सी ते 11 जणिआं नूं जख्मी किया सी 2018 दे विच वीडियो गेम टूरनामेंट दे विच। जिहड़े मेयर ने उत्थों दे डोना डीगन उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की आ ते मतलब इहनू किसी ना किसी तरह 2018 वाले अटैक दे नाल जुड़िया कि बहुत माड़ी घटना इत्थे वापरी है जिहड़ी नहीं वापरनी चाहिए सी। अमेरिका दे विच इस तरह दीआं घटनावां दे विच वाधा सचमुच एक चिंता वाली गल दसी जा रही है। दोस्तों इहदे नाल ही अज दा प्रोग्राम इत्थे समाप्त करदे हां, कल फिर हाजिर होवांगे कुछ नवीआं गल्लां बातां नाल। हुण तुसीं देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नूं, डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जां Apple TV ते। नाल ही देख सकदे हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।